चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका एक और नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर सीपेक, जिसको लेकर पाकिस्तान ये सोचता था कि इस प्रोजेक्ट के वजह से वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, उनका जीडीपी इंडिया से भी तेज भागेगा। पर हुआ इसका उल्टा। इसके वजह से आज उनको जगह जगह भीख मांगना पड़ रहा है। और जीडीपी के बारे में तो पूछो ही मत, इस साल पाकिस्तान 0.6% के हिसाब से ग्रो करेगा। अब ये लॉस सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चाइना को भी हुआ है। पर फिर भी वो इस प्रोजेक्ट पर काम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इस लिस्ट में एक और देश की एंट्री होने जा रहा है, अफगानिस्तान। हाल ही में इस्लामाबाद में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का एक मीटिंग हुआ था, जहां चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही एग्री किया है कि वो अफगानिस्तान के साथ जॉइंटली इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इसके पीछे देखो चाइना का एक बहुत बड़ा मोटिव है, उन्होंने जानबूझ के ये रिस्क उठाए हैं। अब रिस्क इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान आज के डेट पे हम सबको पता है एक अनस्टेबल कंट्री है, आए दिन कहीं ना कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। क्या इन सब के बीच चाइना इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? पाकिस्तान में भी सेम इंसिडेंट की वजह से उसे इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा, पर फिर भी वो अफगानिस्तान को चूज क्यों किया है? तो देखो इसका मेन रीजन है अफगानिस्तान का नेचुरल रिसोर्सेज। अफगानिस्तान आज के समय पे टन्स ऑफ मिनरल्स के ऊपर बैठा हुआ है। आयरन, कॉपर, गोल्ड का खजाना है अफगानिस्तान में, जिसका वैल्यू ट्रिलियन डॉलर में है। और इसी प्रोजेक्ट के जरिए चाइना इन सब तक पहुंचना चाहता है। अब ये नहीं है कि चाइना का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में, इसी साल के शुरू में उन्होंने अफगानिस्तान के आमू दरिया में एक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। और दूसरी ओर अफगानिस्तान सब कुछ जानते हुए भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि आज उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और चाइना जितना इन्वेस्टमेंट आज उनको कहीं से भी नहीं मिलेगा, तो उनको मजबूरी में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना पड़ा। अब चाइना जहां ये कोशिश कर रहा है कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे, वही शायद उनको एक बड़ा धक्का लग सकता है फ्रॉम इटली, क्योंकि इटली शायद वो पहला देश होगा जो इस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहता है। अब देखते हैं उनके पीछे और कौन कौन से देश आते हैं। अब इटली को देखो, इस प्रोजेक्ट को एक ना एक दिन छोड़ना ही था, क्योंकि वो एकलौता ऐसा G7 कंट्री है जो इस ग्रुप का हिस्सा है।